गारंटी देने वाला कानून था उसमें सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तो इसमें हम लोगों को आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्रीय कुछ इशू हैं जिनमें काफ़ी लंबे समय से लोग हमारे यहाँ इसके भगवती क्षेत्र में खेती की जमीन तक खेती करते आ रहे, सिंचाई विभाग की जमीन कही जाती है, लेकिन किसानों से अधिग्रहण करते हुए कुछ किसानों को मुआवजा दे दिया, कुछ को नहीं दिया, तो किसान मांग करते आ रहे हैं, उसमें अपना रोजी रोटी देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। हमारी आज उन लोगों का शोषण, जो लोग वोट करते समय गलती से दूसरी पार्टी को वोट कर दिया या प्रजातंत्र का ये मान लो कि गला घोट दिया जा रहा है, और उस आदमी को चिन्हित कर करके उनके फसलों को जोड़ा जा रहा है, जो लोग साफ वोट देते हैं, ऐसी कार्रवाई कार्रवाई हो तो एक परिवार को तोड़ा जा रहा है, एक परिवार को जोड़ा जा रहा है, ऐसा ना हो, इसमें हम इनका विरोध करेंगे। और एक हमारा मुद्दा है, अफजलगढ़ क्षेत्र के जो 12 गांव हैं, कल हमारी एचएम साहब की बात हो रही थी, तो एचएम साहब ने हमारे गांव को स्वच्छ बना दिया, बात ही नहीं करी हुई, कह लगे जो 12 गांव स्वच्छ बने हुए। देखो, जिस आदमी ने देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया, और उन्हें वर्तमान अधिकारी फर्जी बता रहे हैं कि वो फर्जी है सब, तो ये बड़ी दुख की बात है भाइयों। और देखो, इस संगठन के माध्यम से हमें मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन संगठन को हमने दिया क्या है, संगठन को एक भीड़ और एक सहयोग चाहता है, जो आज भीड़ से हमारे आंदोलन को सफलता मिलती है, भीड़ की आवश्यकता है। बाबा महेंद्र सिंह के, चौधरी नरेश के, जिंदाबाद।